एस्ट्रोनॉमी स्टूडेंट्स, हम अपने प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं कि सेंट्रल पोटेंशियल जो होगा तो वो डिपेंड नहीं करेगा एजीमुथल क्वांटम नंबर, या ऐसे कह लें कि सेंट्रल पोटेंशियल्स की एनर्जी एजीमुथल क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। जैसे कि यहाँ पर मेंशन है कि डज नॉट डिपेंड ऑन एजीमुथल क्वांटम नंबर। द डिजेनरेसी कैन बी लिफ्टेड इफ वी प्लेस द पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी। हम लास्ट जो लेक्चर था वहाँ पर साथ साथ डिस्कस किया था डिजेनरेसी को, और ये डिजेनरेसी हम लिफ्ट कर सकते हैं कि जब हम इसी एटम्स को प्लेस कर दें किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। और अगर कैसे यूनिफॉर्म ये डिजेनरेसी ख़त्म हो जाएगी कि जो हम मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड्स हो, तो उससे इसका स्पेशल डेरिवेटिव जो होगा, स्पेशल डेरिवेटिव वो वैनिश हो जाएगा। जब ये वैनिश हो जाएगा तो इसकी डीजनरेसी जो होगी ये लिफ्ट हो जाएगी। हमारा एक्चुअल जो टॉपिक है वो है ज़ीमान इफेक्ट, लेकिन ज़ीमान इफेक्ट से पहले हम ये देखेंगे कि जब हम किसी एटम को प्लेस करें किसी मैग्नेटिक फील्ड में तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा। Now the effect of a magnetic field on a charged particle. ये हमारा सब टॉपिक है, पहले हम इसे डिस्कस करेंगे। ये एक्चुअली एक्सप्लेन कर रहा है, ज़ीमान इफेक्ट को ही एक्सप्लेन कर रहा है। हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं कि एक पार्टिकल है और उस पार्टिकल का मैस म्यू है, मैस म्यू है और इसके ऊपर जो चार्ज है Q, विच बी सेड मूविंग इन अ सेंट्रल पोटेंशियल Vr, और सेंट्रल पोटेंशियल जो है वो Vr है, मींस कि वो रेडियल पोटेंशियल है। इज सब्जेक्ट इन टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। लेट सपोज हम यहाँ पर क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की तरफ जाते हैं और वहाँ पर हम A लेते हैं, A वेक्टर वो इक्वल है 1/2 B × r। इसके ऊपर हम ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, डेल अप्लाई करेंगे और इसका फार्मूला हमारे पास बन जाएगा डेल बी क्रॉस सी क्रॉस डी, ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। तो यहाँ से डेल क्रॉस ए हमने फाइंड किया तो उससे जो वैल्यू हमें मिली तो ये जो है बी के इक्वल, कि मीन्स हमारे पास वेक्टर ए था उससे हमें मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो डेल डॉट बी जो आ रहा है तो डेल डॉट बी ये वाली टर्म यहाँ से ज़ीरो हो जाएगी, ये सेकंड वाली टर्म जो है इस टर्म की हम बात करते हैं तो ये वाली टर्म यहाँ से ये ज़ीरो हो रही है। और आर डॉट डेल तो डेल डॉट आर ये वाली टर्म यहाँ से ये भी ज़ीरो, लेकिन डेल डॉट आर ये वाली जो टर्म है तो इससे हमें थ्री मिल जाएगा, तो डेल डॉट आर ये ज़ीरो हो जाएगी तो बी और 3b तो यहाँ से क्या रह जाएगा 2b जो होगा 2 के साथ कैंसिल तो जस्ट b रहेगा, तो ये हमें यहाँ से b मिलेगा। When the charge is placed in a magnetic field B, its linear momentum become। जब चार्ज प्लेस्ड किया था तो उस टाइम इसका लीनियर मोमेंटम जो होगा, तो फिर हम लीनियर मोमेंटम को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि लीनियर मोमेंटम ये बन जाएगा। और यहाँ पर C जो होगा तो C रिप्रेजेंट कर रहा है Q जो है चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और C जो है स्पीड ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ द हैमिल्टोनियन ऑफ अ पार्टिकल, तो इसके लिए हैमिल्टोनियन जो होगा तो उसे हम डिस्कस करते हैं कि हैमिल्टोनियन ऑफ अ पार्टिकल क्या होगा। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर हैमिल्टोनियन ऑफ अ पार्टिकल की वैल्यू लिखते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा हैमिल्टोनियन ऑफ अ पार्टिकल। और अब इसमें ये वाली जो टर्म है एच नॉट किसके इक्वल है, यहाँ से देखें पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस वी आर सेंट्रल पोटेंशियल, पी स्क्वायर इसका मोमेंटम, म्यू मैस और वी आर इसका सेंट्रल पोटेंशियल। ये हमें क्या दे रहा है, इस हैमिल्टोनियन ऑफ अ पार्टिकल व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड बी इज नॉट प्रेजेंट। तो एच नॉट हमेशा उस हैमिल्टोनियन को इस
केस में डिस्कस करेगा जहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं होगी। द टर्म पी डॉट ए, यहाँ पर ये वाली जो टर्म है, कैन बी कैलकुलेटेड, इसके लिए हम यूज़ करेंगे कम्यूटेटर अलजबरा को। तो कम्यूटेटर अलजबरा हम नेक्स्ट जो लेक्चर होंगे तो वहाँ पर हम इसे प्रूव करेंगे, डिफरेंट इसकी प्रॉपर्टीज जो होंगी। तो पहले हमारे पास ये है पी एफ एक्स, ये हमारे पास दो ऑपरेटर हैं, पी और एफ एक्स कोई से दो ऑपरेटर हैं, ये हम जनरल रिलेशन इसके लिए लिख रहे हैं। ये किसके इक्वल होगा, माइनस आयोटा एच एड माइनस आयोटा एच कट डी एफ ऑपरेटर एक्स ओवर डी एक्स। तो ये यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, डेरिवेटिव की फॉर्म में आ जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर लिखते हैं कि जब हम इसका अप्लाई करेंगे किसके ऊपर, किट के ऊपर, जब किट के ऊपर अप्लाई करेंगे तो पी जो होगा तो इसकी वैल्यू माइनस आयोटा एच कट और साथ ये जो डी ओवर डी एक्स है तो डी ओवर डी एक्स की जगह हमने यहाँ पर डेल लिख लिया है। तो इसको हम ऐसे यहाँ पर लिख सकते हैं। और यहाँ पर वेयर वेन एवर डेल डॉट ए इज इक्वल टू जीरो इज वैलिड द कूलम गेज। तो यहाँ पर कूलम गेज क्या होगा, कूलम गेज इज अ मिनिमल मिनिमल गेज इन द सेम इन द सेंस द इंटीग्रल ऑफ ए स्क्वेयर ओवर ऑल स्पेस इज मिनिमल। तो इसका मतलब ये होगा कि ए डॉट पी वो इक्वल होगा पी डॉट ए के। अब हमारे पास ए की वैल्यू गिवन है ए और पी का प्रोडक्ट लेते हैं तो उससे हमें 1/2 बी डॉट एल ये वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से हमें ये वाली ए डॉट पी इसकी जो वैल्यू होगी 1/2 बी डॉट एल। यहाँ पर ये जो एल है ऑपरेटर की फॉर्म में है तो ये हमें क्या दे रहा है, अर्बिटाल एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर। अगर जस्ट एल लिखा हुआ है तो ये अर्बिटाल एंगुलर मोमेंटम है, लेकिन साथ ऑपरेटर है तो ये अर्बिटाल एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर। हम इन्हीं इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं तो इससे हमें ये मिलेगा 1/2 बी डॉट एल। और अब हम फाइंड करना चाहते हैं इससे हैमिल्टोनियंस की वैल्यू। जब हैमिल्टोनियन की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये वाली जो इक्वेशंस होगी तो यहाँ से हमें हैमिल्टोनियंस की वैल्यू मिल जाएगी। और इसमें ये जो म्यू एल जो होगा इसकी वैल्यू क्यू ओवर टू म्यू सी या टू एम सी इज इक्वल टू म्यू बी ओवर एच कट एल। तो ये किसके इक्वल है, तो यहाँ पर आप लोग ये कह सकते हैं कि ये इक्वल है अर्बिटाल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो अर्बिटाल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इसकी वैल्यू आप लोगों को याद होनी चाहिए। और इसी के साथ म्यू बी बोहर मैग्नेटान के इक्वल है, बोहर मैग्नेटान की ये इसमें जो कांस्टेंट वैल्यू आ रही है कौन सी, ये वाली जो कांस्टेंट वैल्यू है क्यू ओवर टू म्यू सी और साथ एच कट। तो ये वाली जो वैल्यू होगी इसको बोलते हैं बोहर मैग्नेटान। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास ऐसे हम करेंगे तो यहाँ पर जो ए आया था तो उसका हमें यहाँ पर ए स्क्वेयर चाहिए। जब ए स्क्वेयर लेंगे तो 1/4 ये हमारे पास स्क्वेयर की फॉर्म में आ जाएगा। तो यही इसी के लिए फिर हम अगेन हैमिल्टन ऑपरेटर लिखेंगे तो ये हैमिल्टन ऑपरेटर आ जाएगा, हैमिल्टोनियन ऑफ पार्टिकल ऑफ मास म्यू एंड चार्ज क्यू मूविंग इन सेंट्रल पोटेंशियल वी आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। तो ये इसके लिए हम अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं जो हमारा टॉपिक है ज़ीमान इफेक्ट। ज़ीमान इफेक्ट है क्या, पहले इसकी हम डेफिनेशंस की बात करते हैं। When a hydrogen atom is placed in external uniform magnetic field, its energy level gets shifted. This energy shift is known as Zeeman effect. यहाँ पर स्टूडेंट्स कुछ चीज़ें हैं,
कंडीशंस हैं किसके लिए, ज़ीमान इफेक्ट के लिए, कि हमारे पास जो हाइड्रोजन एटम है उसका प्लेस्ड होना चाहिए किस में, मैग्नेटिक फील्ड्स, और वो वाली जो मैग्नेटिक फील्ड्स होनी चाहिए वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड्स। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से एनर्जी लेवल जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। और ज़ीमान इफेक्ट के केस में हम यहाँ पर इग्नोर करेंगे किसको, स्पिन का केस, इग्नोर द स्पिन द हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। जब हम ज़ीमान इफेक्ट को विदाउट स्पिन डिस्कस करेंगे, ये वाला ज़ीमान इफेक्ट जो होगा तो इसे हम बोलेंगे नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट। और ये स्टूडेंट्स आप लोगों के यहाँ से ज़ीमान इफेक्ट इससे देखिएगा बहुत सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं। और जब हम यहाँ से ज़ीमान इफेक्ट में स्पिन को इंट्रोड्यूस करते हैं, ज़ीमान इफेक्ट के केस में हम स्पिन को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो इस ज़ीमान इफेक्ट को हम बोलेंगे एनामोलस ज़ीमान इफेक्ट। ज़ीमान इफेक्ट एक्चुअली है क्या, ज़ीमान इफेक्ट हमारे पास ये है कि ये हमारे पास, लेट्स सपोज एनर्जी लेवल डायग्राम की हम बात करते हैं, ये हमारे पास एनर्जी लेवल डायग्राम के डिफरेंट एनर्जी स्टेट हैं, इसी को हम प्लेस करते हैं किसके ऊपर, इसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड्स अप्लाई कर ली। इस मैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से यही वाली जो, जस्ट एक को लेते हैं, इसको ले लेते हैं, ये वाली जो लाइन है तो यहाँ से यही वाली जो लाइन है ये स्प्लिट हो जाएगी, ऐसे नंबर ऑफ लाइन में स्प्लिट हो जाएगी, जिससे हमें एनर्जी लेवल या एनर्जी का डिफरेंस आ जाएगा। अब ये वाला जो इफ़ेक्ट होगा कि एक ही लाइन अगर स्प्लिट हो रही है तो ये वाला जो इफ़ेक्ट होगा इसे हम बोलेंगे नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट, जस्ट हम बोलेंगे ज़ीमान इफेक्ट। अगर इसमें हम जो स्पिन का केस था, क्योंकि हमने ये लिया था कि एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का एटम्स लिया था और उसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था, तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व जब करता है तो साथ साथ उसकी मोशन जो होगी स्पिन मोशंस भी होगी, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता था तो इसकी यहाँ पर जो मोशंस इलेक्ट्रॉन, तो इसकी मोशन जो होगी स्पिन। अगर हम इसके स्पिन को डिस्कस ना करें तो ये वाला इफेक्ट जो होगा नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट, और अगर हम साथ इसके स्पिन को इंट्रोड्यूस कर लें तो ये वाला इफेक्ट जो होगा तो इसे हम बोलेंगे एनामोलस ज़ीमान इफेक्ट का नाम देंगे। अब हम सपोज करते हैं कि एटम के ऊपर हमने मैग्नेटिक फील्ड्स अप्लाई कर ली, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड्स हमने अप्लाई की है वो हमने अलॉन्ग जी डायरेक्शंस अप्लाई की है। तो यहाँ से देखें कि जो मैग्नेटिक फील्ड्स हमने अप्लाई की है तो बी मैग्नेटिक फील्ड्स अप्लाई की है। अब यहाँ पर ये वाला जो बी है तो ये बी रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स, और जी यूनिट वेक्टर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड्स हमने अप्लाई की है उसकी डायरेक्शंस क्या है, अलॉन्ग जी एक्सिस है। अब यहाँ पर हमने लिए हुए है कौन सा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा हाइड्रोजन के एटम्स में, और इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, तो हम क्यू को इस इक्वेशंस में जो ऊपर 6.201 आ रही है तो इसमें हम क्यू को रिप्लेस कर देंगे ई के साथ, माइनस ई के साथ जब हम रिप्लेस कर देंगे तो ये वाली हमारे पास इक्वेशंस होगी, और इसमें पी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई टू म्यू, और ये जो माइनस ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई आर ये वाली जो टर्म है तो ये रिप्रेजेंट करेगी, इस टर्म की हम बात कर रहे हैं, तो ये रिप्रेजेंट कर रही है हैमिल्टोनियंस को, किस वक्त कि जब हमारे पास एब्सेंस द मैग्नेटिक फील्ड्स होगी, और साथ ये वाली जो टर्म होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं। इसकी रीज़न क्या है इग्नोर करने की, इसकी रीज़न ये है कि हमने लिया हुआ एक इलेक्ट्रॉन, और अगर हम इसके ऊपर अप्लाई करें स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड तो स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड्स होगी, और एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इसके लिए ये वाली टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, ज़ीरो होगी।
अब यहाँ पर बोहर मैग्नेट ऑन, इसकी मैथमेटिकल वैल्यू स्टूडेंट्स ये आप लोग याद, बोहर मैग्नेट ऑन की वैल्यू इन टर्म ऑफ जाउल और इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये वैल्यू आप लोग याद कर लें। और यहाँ पर हम ये बात करते हैं कि एल जी हमारे पास क्या होगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर अलॉन्ग जी डायरेक्शंस, और एच हमारे पास हैमिल्टन ऑपरेटर है, ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, म्यूचुअली कम्यूट कर रहे हैं। और दोनों जब म्यूचुअली कम्यूट कर रहे हैं तो इनका आइगन फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, कॉमन होगा। यहाँ से याद रखें कि जब कोई सी दो ऑपरेटर की वैल्यू एक दूसरे के साथ कम्यूट कर दे तो उसका आइगन फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, वो कॉमन सेम आइगन फंक्शन होगा। तो इससे हम एनर्जी लेवल जो होगी तो इस तरीके से लिख सकते हैं, इसके लिए फॉर आइगन फंक्शन जब उसकी एनर्जी जीरो होगी। अब यहाँ पर हम इस फिगर की बात करते हैं, नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट इन हाइड्रोजन, हम जस्ट नॉर्मल की बात कर रहे हैं, मीन्स कि हम स्पिन को निगलेक्ट कर रहे हैं। वेन बी इज इक्वल टू जीरो द एनर्जी लेवल आर डी जनरेट विद रिप्रेजेंट एल टू एम रिस्पेक्ट टू एल एंड एम। तो वेन बी इज नॉट इक्वल टू जीरो द डी जनरेसी विद रिस्पेक्ट टू एम इज रिमूव्ड। अब हम यहाँ पर ये कहते हैं कि जब हमारे पास ये कैसे, ये पहले हम ऐसे इसको ये जो रेड बॉक्स के अंदर पोर्शन है, तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि जब हमने मैग्नेटिक फील्ड्स अप्लाई नहीं की हुई तो वहाँ पर एल इज़ इक्वल टू ज़ीरो, एल इज़ इक्वल टू वन टू, तो इसमें यहाँ पर क्या अपीयर हो रही है, डी जनरेसी। तो यहाँ पर देखें डी जनरेसी जी इज़ इक्वल टू टू, जी इज़ इक्वल टू थ्री, तो डिफरेंट जी डी जनरेसी अपीयर हो रही है। लेकिन जब हम मैग्नेटिक फील्ड्स को अप्लाई करते हैं तो ड्यू टू दैट मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ से ये जो एनर्जी लेवल है ये स्प्लिट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये डीजनरेसी जो है ये वैनिश्ड हो रही है। राइट साइड पर देखें तो यहाँ से डीजनरेसी क्या हो रही है, वैनिश्ड हो रही है। अब यहाँ पर ई नॉट जो है तो ये हाइड्रोजन एनर्जी लेवल है जिसकी वैल्यू यहाँ पर, इसको आप लोग कह सकते हैं लार्मर फ्रीक्वेंसी। लार्मर फ्रीक्वेंसी ये है कि यहाँ पर इतनी सी रीजन इसमें हमने क्या की हुई है, मैग्नेटिक फील्ड्स अप्लाई की हुई है, मैग्नेटिक फील्ड्स अप्लाई है। और यहाँ पर हम ये लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है, अब इलेक्ट्रॉन इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या करेगा, यहाँ से लेट्स सपोज सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। अगर यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन ऐसे सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, तो इस फ्रीक्वेंसी को लार्मर फ्रीक्वेंसी का नाम देंगे। लार्मर फ्रीक्वेंसी ड्यू टू एंगुलर, जब मोमेंटम इसका एंगुलर मोमेंटम होगा तो फिर यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी ये लार्मर फ्रीक्वेंसी होगी, और इसकी मैथमेटिकल वैल्यू यहाँ पर गिवन है। और यहाँ पर हम ये कहते हैं कि जब एटम्स प्लेस्ड हो इन मैग्नेटिक फील्ड्स में और इसकी स्पिन को हम क्या कर दें, इग्नोर कर दें, तो तब हमारे पास एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो इस फॉर्म में आएगा, स्प्लिट एल टू टू एल प्लस वन। यहाँ पर देखें ये हमारे पास था एल टू टू एल प्लस वन। तो यहाँ पर अगर फार्मूला हम ये लिख लें, टू एल प्लस वन, अब इसमें एल को जीरो पुट किया, जब हमने एल को जीरो पुट किया तो वन आ जाएगा, तो एक ही एनर्जी लेवल हमें मिला। जब हमने एल को वन पुट किया तो यहाँ से कितने
तीन एनर्जी लेवल, जब हमने एल को टू पुट किया तो यहाँ से हमें फाइव एनर्जी लेवल, तो यहाँ पर देखें ये फाइव एनर्जी लेवल हमें मिल रहे हैं। तो ये एल इज़ इक्वल टू टू के लिए, थ्री वन के लिए और ज़ीरो के लिए। वेन वेयर द स्पेसिंग इज गिवन बाई डेल ई, और ये वाली जो स्पेसिंग होगी इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट, द स्पेसिंग इंडिपेंडेंट ऑफ एल और इक्वी डिस्टेंस स्प्लिटिंग ऑफ द लेवल इज नोन एज नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट, जो कि इक्वी डिस्टेंस पर होगा तो इसको आप लोग बोलेंगे कि ये नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट होगा। और नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट जो होगा इसमें ट्रांजिशन रिस्ट्रिक्टेड है किस में, डेल एम इज इक्वल टू माइनस ज़ीरो वन ज़ीरो। अब ये माइनस ज़ीरो वन ज़ीरो क्या है, यहाँ पर देखें तो अगर लेट्स सपोज मैं इसे लेता हूँ, ये मेरे पास माइनस वन होगी, ये ज़ीरो होगी और ये वन होगी। लेकिन जब सिलेक्शन रूल की हम बात करते हैं तो सिलेक्शन रूल में वहाँ पर हम ज़ीरो को इंट्रोड्यूस नहीं करते, तो वहाँ पर ज़ीरो नहीं आता। तो इस वजह से यहाँ पर सिलेक्शन रूल हमें क्या दे रहा है कि ट्रांजिशन जो होगी तो एम इज़ इक्वल टू ज़ीरो ये अलाउड ही नहीं है। तो यहाँ पर हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट और जो थ्योरेटिकल रिजल्ट है, इन दोनों में क्या है, कॉन्ट्रोडक्शंस आ रही है। सो दैट द नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट रिमूव द डिजनरेसी ऑफ द लेवल ओनली पार्शली। और एल जो होगा तो इसमें डीजनरेसी जो होगी ये क्या रहेगी, रिमेन रहेगी। अब जो हमारे पास डिफरेंट आ रही है एनर्जी लेवल कौन सी, यहाँ से हम इसकी बात करते हैं, ई टू ज़ीरो ज़ीरो टू वन ज़ीरो ज़ीरो, और ये वाले जो दो आ रहे हैं थ्री टू माइनस वन थ्री वन माइनस वन थ्री ज़ीरो ज़ीरो थ्री वन थ्री टू वन। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये क्या होगी, स्टेल जो होंगे ये डीजनरेट होंगे और इसके अलावा जो स्टेट होगी वो डीजनरेट नहीं होगी। और इसे हम किससे रिमूव कर सकते हैं, इसे हम रिमूव कर सकते हैं नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट, जब हमारे पास एल और एल प्राइम आपस में क्या हों, इक्वल नहीं हो, कम्यूट ना करें। द रिजल्ट ऑफ द नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट विच शो दैट द ईच एनर्जी लेवल स्प्लिट इन टू ऑड नंबर, वहाँ से जो हमारे पास आ रहा था तो टू एल प्लस वन आ रहा था, तो अगर हम वन वैल्यू ज़ीरो, इससे जो हमारे पास वैल्यू आएगी वन थ्री फाइव सेवन नाइन, ऑड वैल्यू हमारे पास आ रही है इक्वली स्पेस लेवल, जो कि डिसएग्री कर रहा है विद द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस। फॉर इंस्टेंस एनर्जी लेवल इन द हाइड्रोजन एटम एक्चुअली स्प्लिट इन टू इवन नंबर ऑफ एल, तो वहाँ पर जो हमारे पास था तो वो इवन नंबर, किस वजह से, क्योंकि हम बोलते थे एंगुलर मोमेंटम जो होता था वो हाफ इंटीजर, जब इवन नंबर होगा तो तब हाफ इंटीजर होगा, अदरवाइज हाफ इंटीजर नहीं होगा। दिस डिसएग्रीमेंट इज ड्यू टू द सिंप्लीफाइंग अजम्पशंस वेयर द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन वाज इग्नोर्ड, एज प्रॉपर ट्रीटमेंट विच इंक्लूड द इलेक्ट्रॉन स्पिन कन्फर्म द एंगुलर मोमेंटम इज नॉट प्योरली ऑर्बिटल बट इंक्लूड्स स्पिन कंपोनेंट एज वेल। तो इसका मतलब कि यहाँ पर हम जस्ट पहले हमने ये किया था कि स्पिन कंपोनेंट को रिमूव किया था, तो स्पिन कंपोनेंट को साथ हमने क्या करना है, इंक्लूड्स करना है, और ये जस्ट जो है ऑर्बिटल्स नहीं है, ये साथ स्पिन के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। दिस लीड टू स्प्लिटिंग ईच लेवल इंटू इवन नंबर ऑफ टू जे प्लस वन इक्वली स्पेस्ड एनर्जी लेवल, दिस इफेक्ट नोन एज एनोमलस ज़ीमान इफेक्ट, कि मीन्स कि हमने पहले ये कहा था कि हम स्पिन को इंट्रोड्यूस नहीं करते नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट, तो वहाँ पर हमारी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आ रही थी उसमें कॉन्ट्रोडक्शंस आ रही थी, तो इस वजह से हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, साथ एनोमलस ज़ीमान इफेक्ट को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। अब यहाँ पर स्पिन इज इंक्लूड, ये वाला जो पॉइंट है जस्ट इस पॉइंट को हम देखते हैं, When spin is include the electron total angular momentum j would be half integer 2j plus 1 is the, क्योंकि spin जो होती है तो वो या तो up और या down या plus या minus होगी, तो इस वजह से हम यहाँ पर ये कहते हैं
स्पिन को इंट्रोड्यूस करेंगे और टोटल एंगुलर मोमेंटम इसका जो होगा ये जे आएगा। स्टूडेंट्स ये था हमारा टॉपिक ज़ीमान इफेक्ट, जिसमें हमने नॉर्मल और एनोमलस ज़ीमान इफेक्ट दोनों को डिस्कस किया।